और इधर बेतिया के मझौलिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत माधोपुर पंचायत के माधोपुर पैक्स लिमिटेड जमा वृद्धि केंद्र के सहकारिता विभाग के बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन संचालित केंद्र पर उपभोक्ताओं को जमा राशि न मिलने के कारण जमकर बवाल काटा। इसको लेकर वर्तमान पैक्स अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि अभी तक उन्हें पूर्व के पैक्स अध्यक्ष शत्रुघ्न कुमार सिंह द्वारा पूर्ण रूप से प्रभार नहीं दिया गया है, जबकि इनके द्वारा चार्ज देने के लिए कोई लिखित रूप से पत्रांक निकाला गया है। वहीं उपभोक्ताओं के आक्रोश के होने पर बीसीओ शशि कुमार सिंह द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया गया कि बहुत जल्द आप लोगों का पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। पैक्स जमा वृद्धि केंद्र में लगभग 2 लाख से 7 लाख तक की राशि कई उपभोक्ताओं द्वारा जमा की गई है, लेकिन लगभग दिसंबर 2019 तक का यह संस्था द्वारा जमा एवं निकासी की प्रक्रिया की गई, परंतु इसके बाद अब यहाँ कोई कार्य नहीं की जा रही है। वही उपभोक्ताओं ने बताया कि अभी के हालातों में जिस तरह लॉकडाउन चल रहा है, इस क्रम में हमारी स्थिति ऐसी है कि हम अपने घर का जीविकोपार्जन करने में असमर्थ हैं, बेटियों की शादी के खर्चे जुटाने में असमर्थ हैं। माधोपुर कोऑपरेटिव बैंक 2019 से मार्च तक हमने जो है बहुत पैसा जमा किया, लेकिन मात्र उसमें शेष 1,56,000 रुपया अभी तक बकाया है, जो मैं कितना बार पूर्व पैक्स अध्यक्ष के पास आया और बार बार आश्वासन दिया गया, आश्वासन देत पर देत अभी तक मेरा भुगतान नहीं हुआ। ऐसे ऐसे माधोपुर पंचायत के बहुत किसान मजदूर का भी पैसा इसमें डिपोजिट जमा है, जो अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। आसपास के बखरिया, माधोपुर, लालसरैया, छापवा, हरसिद्धी, सुगौली, तमाम सभी जनता का भी पैसा यहाँ जो है आज तक डिपॉजिट है और पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। और बार बार जो है टैक्स अध्यक्ष के द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि 10 दिन के अंदर में हो जाएगा, 5 दिन के अंदर में हो जाएगा, और होते होते चुनाव बीते हुए कितना दिन हो गया और आज तक अभी तक पेमेंट किसी जनता गरीब का नहीं हुआ, जिससे शादी ब्याह कथा हरनाम श्राद्ध सारा काम बाधित है। और जहाँ तक बिजनेसमैन का सारा बिजनेस जो है अभी तक पैसे के अभाव में फलप है, यही समस्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र चौधरी है। अभी वर्तमान में मैं पंचायत का मुखिया प्रत्याशी पति हूँ। कहाँ हो? कौन सा प्रखंड? जी प्रखंड, प्रखंड मझौलिया है। प्रॉब्लम है कि भूतपूर्व अध्यक्ष जी, आज तक उनके नाम से चिट्ठी निकला चार्ज देने के लिए, वो चार्ज देने तक ना आया, ना हमको कोई रजिस्टर के बारे में बताया, आरडी एफडी किसका किसके यहाँ कितना लोन है, हमको कोई पेपर आज तक ना दिए हुए हैं। हमको केवल खाद उर्वरक का लाइसेंस दिए हुए हैं और लाइसेंस हम अपना रिन्यूअल करा के खाद व्यवसाय चला रहे हैं। हमको पेपर के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है कि इस संस्था में रुपया है कि नहीं है, क्या है। इसी के एवज में लोग यहाँ हमारे यहाँ आ रहा है जा रहा है। हम बोल रहे हैं कि भाई हमको चार्ज न मिला हुआ है और न हमको कोई पेपर का जानकारी है। जिस दिन पेपर का जानकारी हो जाएगा हमको, उस दिन से हम अपना व्यवसाय करेंगे। फिर जो आज ये आश्वासन दिया गया है, किस आधार पर लोग आश्वासन हम नहीं दिए हुए हैं, कुछ पदाधिकारी लोग आया था, डीएम साहब के यहाँ भी शायद लेटर पड़ा हुआ है कि हमको माधोपुर पैक्स में मेरा रुपया है, रुपया हमको नहीं मिल रहा है, इसलिए वहाँ से उनको ऑफिस से निर्देश मिला हुआ है। वो लोग आके अपना वो लोग जनता और साहब लोग अपना बात किए हुए हैं, हमसे कोई मतलब कोई दिशा निर्देश हम न दिए हुए, जो देना था हम बोल दिया कि भाई हमको चार अभी तक न हुआ। मनोज कुमार, पैक्स अध्यक्ष। माधोपुर पैक्स में पैसा जमा किया है, हमारा बेटी का शादी है, पैसा के कारण हमारा बेटी की शादी भी रुकी है, शादी नहीं हो रहा है। अब हम पैसा पर लेंगे तब हम शादी करेंगे बेटी की। तो आप यहाँ आई हैं तो क्या हुआ है? क्या यहाँ आए हैं तो बोले हैं, तो बोले हैं कि 12 तारीख के आपको पैसा मिलेगा। इससे पूर्व भी कोई समय दिया गया? अब हम बोले हैं कि आप गारंटी के साथ बोल रहे हैं, आ तो नहीं, हम गारंटी कैसे बताते। इससे पूर्व भी मतलब कोई समय दिया गया था आप लोग को? क्या 20 तारीख 20 तारीख का उसमें नहीं मिला ना, फिर समय दिया गया? फिर समय दिया गया है। अच्छा,